तीन स्टेप कंप्लीट होने के बाद स्टेप नंबर चौथे की बारी आती है और वो है कूलिंग कॉइल को फ्लश करना। जब हमारा ये फ्लश जाता है यानी कि आउटडोर यूनिट फ्लश का मतलब कंडेंसर जब फ्लश जाएगा तो हमको ये जो फिल्टर ड्रायर होता है ना पुराना वाला उसको हटा करके नया फिल्टर ड्रायर लिखा और न्यू फिल्टर ड्रायर नया फिल्टर ड्रायर यहाँ पे लगाया गया। कुछ लोग क्वेश्चन होंगे सर नया फिल्टर ड्रायर क्यों लगाएंगे, तो नया फिल्टर ड्रायर लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुराना वाला फिल्टर ड्रायर जो होगा, मैंने फिल्टर ड्रायर काट के एक बार दिखाया वीडियो ऑलरेडी अपलोड है एक बार देखना, इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं ना, अब वो पत्थर के कण जो होते हैं इसके अंदर आ जाएगा तो पूरा ये जाम हो जाता है, ब्लॉक हो गया होता है। अगर पुराना वाला लगा दे तो गैस का जो संचरण होगा यानी गैस का जो चक्रण होगा उसमें क्या होगा इफेक्ट पड़ेगा ठीक ना, और उस वाष्प के साथ यानी कि जो गैस जाती है यहाँ से गर्म होकर वाष्प बदलती है और वाष्प के साथ में इसमें आयल भी जाएगा जो इसके अंदर आयल बच गया होगा। इस बात को ध्यान रखना, आपको कभी भी पुराना और फिल्टर ड्रायर नहीं लगाएंगे यानी कि एसी का 10 साल 5 साल 6 साल चल चुकी है और उसको आप क्या कर रहे हैं गैस बने जा रहा है, तो पुराना फिल्टर ड्रायर निकाल करके सीधा हटा दीजिए उसमें नया फिल्टर ड्रायर लगाइए। प्राइस कुछ खास नहीं होती है, 35-55 जितने का पड़ता होगा, अलग अलग जगहों पर अलग रेट होता है, बट इसको आप नया लगाइए, रेट से मतलब वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे नया फिल्टर ड्रायर लगाएंगे, अब क्या करेंगे इसको भी यहाँ पर अच्छे से कस लेंगे और कसने के बाद ये अभी भी आपका ओपन ही रहेगा, जो सक्शन लाइन है वो ओपन रखिए और यहाँ पर देखना ना यहाँ पर अंतिम सिरे पर ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइंट कर सकते हैं आप चाहे तो, और यहाँ से आप खोल लेंगे, कहाँ से खोलेंगे यानी कि इंडोर यूनिट के सक्शन पाइप के पास से, ये दिख रहा है ना ये इंडोर यूनिट है, इसका कैसेट एयर कंडीशनर बता रहा हूँ या दिखा लो, तो कैसेट एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट आपका यहाँ से आपको क्या कर देना है खोल देना है और यहीं पर आप अंगूठा क्या करेंगे इस तरीके से लगाएंगे और जब प्रेशर होगा तो अंगूठा क्या कर देंगे यहाँ से हटाएंगे ठीक है। तब यहाँ पे वो काम करना है जो काम आप यहाँ पर कर रहे थे ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो अब फिर क्या करेंगे ऐसे कर लेने के बाद देखिए सारा सिस्टम ये आउटडोर हुआ और ये इंडोर हुआ, अब फिर से इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ध्यान से देखिए जैसे ही ऑन होगा ये हवा को खींचेगा क्योंकि यहाँ पे गैस तो है नहीं ये ओपन है, तो हवा को खींचेगा अपने सक्शन पाइप द्वारा, सक्शन पाइप से होते हुए हवा ऐसे एक्यूमुलेटर से होकर के जाएगी कंडेंसर में और कंडेंसर से होकर के नया फिल्टर ड्रायर तो बिल्कुल हवा अच्छे से पास करेगी और कैपेसिटर से होकर के डिस्चार्ज पाइप से होते हुए ये आएगी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व में और पूरी इसमें हवा क्या होगी जाएगी, अभी हवा जाएगी गैस होती तो गैस जाती है ना, लेकिन यहाँ पे हमने खोल रखा गैस तो है नहीं, तो हवा इसके अंदर जाएगी और जब हवा जाएगी तो पूरी हवा लास्ट में क्या होगी यहाँ आएगी और यहाँ से निकलने की जब कोशिश करेगी तो यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर लगाना इस तरीके से अंगूठा और जब प्रेशर असहनीय होगा तो फिर अंगूठे को हटाना है। इस क्रिया को तब तक करना है जब तक कि इसमें से गंदगी पूरी तरह से निकलनी बंद नहीं हो जाती, 10 बार 12 बार 15 बार कुल मिला के 15 से 20 मिनट कभी कभी आधे घंटे भी लगते हैं, वो डिपेंड करता है कितना इसके अंदर आयल गया है ठीक ना, तो इसीलिए इसमें से आयल जाता है क्योंकि आयल कैपेसिटर से होकर के जब हीट होता है तो वाष्प में वही बदल जाता है और इसमें ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए इसकी हमको सफाई करनी पड़ती है जब 10-12 साल में गैस भरने जाते हैं तब, तो इस बात को ध्यान रखिए अगर एसी में गैस 1-1.5 साल में निकल गया तो फ्लश नहीं करेंगे तो भी क्या होगा चल जाएगा ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका ये तीसरा स्टेप, इस तरीके से हाथ को लगाएंगे अंगूठे को फिर हटा लेंगे ठीक ना, और ये क्रिया तब तक करेंगे जब तक गंदगी पूरी तरह निकलनी बंद नहीं हो जाती। ये हो जाने के बाद अगला काम करेंगे सिस्टम को वैक्यूम, अब देखिए ये सब करने के बाद ना हमारा सिस्टम पूरी हवा भर गई है यानी कि जब हमने फ्लश किया है तो हवा भर गई है और वही काम करेंगे पांचवें स्टेप में, पूरी हवा जो भरी है उसको बाहर निकालेंगे, वो पांचवी वीडियो में बात करेंगे ओके।